नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से की अपील, डेंगू से बचाव और सतर्कता बरतने पर दिया जोर। पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया बड़ा ऐलान, महज एक रुपए में पानी कनेक्शन देने का ऐलान। देहरादून में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश के आसार। नैनीताल में कोसी नदी में बही 3 महिलाएं, पुलिस ने 2 महिलाओं के शव किया बरामद, परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। और उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमितों का आंकड़ा 3000 पार, रिकवरी रेट 81% से ऊपर, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3048। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। वन विभाग के अधिकारियों में बड़ा फेरबदल, राजधानी देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 37 अधिकारियों के लिए किए गए तबादले, रंजना गुप्ता बनाई गई प्रमुख वन संरक्षक। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव भरतरी बने जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष। जेएस सुहाग बने अपर कार्यकारी अधिकारी, राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर सिन्हा बने प्रमुख वन संरक्षक परियोजना। गिरजा शंकर पांडे बने अपर प्रमुख वन संरक्षक। रंजन कुमार मिश्रा को अपर प्रमुख वन संरक्षक का प्रभार मिला है। राजधानी देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर, वन विभाग के अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है, 37 अधिकारियों के किए गए तबादले। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से इस वक्त की बता रहे हैं आपको, रंजना गुप्ता बनाई गई प्रमुख वन संरक्षक, राजीव भरतरी बने जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष। जे एस सुहाग बने अपर कार्यकारी अधिकारी, बड़ी खबर राजधानी देहरादून से इस वक्त की। समीर सिन्हा बने प्रमुख वन संरक्षक परियोजना। रंजन कुमार मिश्रा को अपर प्रमुख वन संरक्षक का प्रभार मिला है। वन संरक्षक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है देहरादून, राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है, 37 अधिकारियों के तबादले किए गए, रंजना गुप्ता बनाई गई प्रमुख वन संरक्षक, राजीव भरतरी बने जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष, जयेश सुहाग बने अपर कार्यकारी अधिकारी, समीर सिन्हा बने प्रमुख वन संरक्षक परियोजना, गिरजा शंकर पांडे बने अपर प्रमुख वन संरक्षक। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने को लेकर प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विनम्र अपील की है, जिसमें उन्होंने डेंगू के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि डेंगू कितना खतरनाक होता है, बचने के लिए। इसके अलावा और क्या कहा सीएम ने, आपको सुनाते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आजकल डेंगू का सीजन शुरू हो गया है और डेंगू से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। डेंगू मच्छर की खासियत यह है कि यह साफ पानी में पैदा होता है और साफ पानी में ही ये इसके बच्चे तैयार होते हैं, इसलिए इससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में कहीं पानी इकट्ठा न होने दें। ये पानी इकट्ठा होना का मतलब है कि हम डेंगू को आमंत्रित कर रहे हैं। डेंगू ये तेज बुखार इसमें होता है और कई बार ये जानलेवा साबित हो जाता है, और इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर
गमले होते हैं उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। आज जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और हमने सतर्कता से सावधानी से कोविड का बखूबी हम लोगों ने मुकाबला किया है और हम उसको काफी हद तक रोक पाने में सफल हुए हैं। अगर यही सतर्कता हम डेंगू को लेकर बरतेंगे तो इस सतर्कता से हम लोग बच सकते हैं। डेंगू एक सीजनल बीमारी है, जैसे ही बरसात समाप्त होती है तो यह भी समाप्त हो जाएगा और इसलिए थोड़ा सावधानी बरते ही मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन प्रकरण मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां किसान नेता भूमि विवाद को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा गए हैं, वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा जिले के अधिकारियों को जमीन विवाद का जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद किसान नेताओं ने भी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, किसान नेता ने जिलाधिकारी के स्थानांतरण पर लड्डू बांटने की भी बात कह डाली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाज सेवी ललित आर ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां कोरोना के नाम पर विकास कार्यों का बजट काट दिया गया, वहीं कर्मचारियों का वेतन भी काट दिया गया है, महंगाई पर नियंत्रण खो दिया गया है, वहीं दूसरी ओर तीसरा विधानसभा भवन बनाना जनता से खिलवाड़ है, रोजगार धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं सरकार उल्टे सीधे फैसले ले रही है, यह जनता से धोखा है। ललित आर्य ने बताया कि स्वतंत्र बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। उत्तराखंड में सरकार द्वारा फैसला लिया जाना कि तीसरा विधानसभा भवन बनाने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। पहले तो सरकार ये तय करे कि सरकार बैठना कहाँ चाह रही है, अपनी सुख सुविधाओं का ये बड़ा ध्यान रख रहे हैं जुटाने का। इस वक्त कोरोना काल की परिस्थिति है, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, कई सरकारी कार्यों और ये जो पब्लिक वेलफेयर के जो कार्य होते हैं इनमें कटौती बजट में की गई है कोरोना के नाम पर, और ऊपर से ये जनता के टैक्स का पैसा जो है बिल्कुल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजा जी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रभुदत्त शर्मा जो कि मुनिचा नंद के कलेक्टर हैं, क्या यह आदिवासी हैं या उनके पास जंगल में रहने का किसी ने प्रमाण पत्र दिया है। इस संबंध में कल 8 जुलाई को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई की तिथि नियत की है। आज मेरे द्वारा दायर पीआईएल संख्या 82/2020 विवेक शुक्ला वर्सेज मुनि चिदानंद में बहस हुई। सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और मैंने अपना पक्ष रखा, तो एक चीज का स्पष्टीकरण सरकारी वकील से। सूर्यभूषण नेगी ने डोईवाला के कोतवाल का पदभार संभाल लिया है। मीडिया कर्मियों से मुलाकात करते हुए नव नियुक्त कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने कहा कि कोरोना आपदा और महामारी अभी भी जारी है, इसीलिए लोग सरकारी नियमों का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे बीमारी से बचा जा सके। नवनियुक्त कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने कहा कि आम जनता को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी समस्या को लेकर मेरे ऑफिस में आ सकता है और मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे सबके लिए ऑन रहेगा।
संबंध में जो है मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए और प्रॉपर जो है सैनिटाइजर का यूज करें समय समय पर। हाँ, इसलिए भी कहा है। और दूसरी बार एक चीज़ और है, जैसे यहाँ हमारे ये अभी है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है संडे को बंद रहेगा। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवाओं और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा रेस्टोरेंट दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाए और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाए, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां कुमायूं का सबसे बड़ा मंदिर श्री अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर श्रावण मास में भी नहीं खोला गया। जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए मंदिर परिसरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के अगले आदेश नहीं आ जाते और कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग जाती, तब तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास जैसे महापर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन सभी की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। सर्वप्रथम तो यह श्रावण मास लगा हुआ है, यह भगवान शिव की आराधना का दिन है। विगत वर्षों में यहाँ पर मंदिर में जो श्रावण का महीना होता है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। किंतु आज यह जो हमारे देश में कोरोना महामारी आई हुई है, बागेश्वर जिले के गरुण कौसानी मोटर मार्ग अपने खस्ता हाल दौर से गुजर रहा है। इन दोनों मोटर मार्ग में जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं।
मोटर मार्ग में बने इन गड्ढों में बरसात का पानी भरने के चलते राहगीरों को दो पहिया और चौपहिया वाहन चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण मोटर मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने के साथ ही जिला मुख्यालय सहित पर्यटन नगरी कौसानी आने वाले पर्यटकों का भी मुख्य मोटर मार्ग है। सड़क में गड्ढे होने के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कि बरसात के दिनों में पानी भर जा रहा है गड्ढों में, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मतलब पानी गड्ढे हैं या नहीं है। लोग कितने दोपहिया वाहन हमारे कितने भाई लोग इसमें एक्सीडेंट हो गया, कितनों को चोटें आ गई। और जो कि मुख्य मार्ग हमारा है कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला मार्ग है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना नालियाँ बनी हैं ना ही दीवारों पर। उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस सरकार के सामने काफी लंबे समय से कमजोर दिखाई दे रही है। चाहे सरकार के खिलाफ महंगाई का मुद्दा हो या सरकार को किसी भी नीति में घेरने का काम, कहीं ना कहीं इन सब में कांग्रेस में ही एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक की गई, जिसमें सरकार को महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विशेषकर घेरने की रणनीति बनाई गई। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता आज इस बैठक में नजर आए हैं, तो इसका मतलब भी साफ है कि अब बैकफुट पर रही कांग्रेस प्रदेश में अपनी तैयारियों को लेकर सक्रियता दिखाए हुए। इस बैठक में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। लोगों ने लोगों को सहारा देने का काम किया, लोगों की मदद पर खड़े हुए और तय ये किया हमने कि हम अपने इस अभियान को, लोगों के साथ खड़े होने, उनकी मदद करने के अभियान को और आगे लेकर के चले। और दूसरा बिंदु जिस पर अभी व्यापक रूप से चर्चा हुई है वो है पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई ने जनता को त्रस्त कर दिया। हर चीज़ के दाम बढ़ गए, कोई भी उपयोग की चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आसमान की तरफ नहीं गए हैं। तो उन पेट्रोल डीजल आदि की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रारंभिक चरण का आंदोलन चलाया है, लोगों की राय है, मेंबर्स की राय है, उसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. Hum, aap. सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस मामले में पिछले 29 जून से लगातार सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि यह एक्ट संवैधानिक है, माफ कीजिएगा असंवैधानिक है। मंदिर के प्रबंधन के लिए पहले से ही मंदिर समिति का गठन हुआ है। संस्था ने मदन मोहन मालवीय द्वारा 1933 में लोगों से की गई अपील भी कोर्ट में पेश की। कोर्ट पीआईएल के मैटर में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और पिटिशनर ने आज अपने रिजॉइंडर में भी सारे आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर लिए हैं। स्टेट हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड देयर आर्गुमेंट और हमने भी कोर्ट के सामने पिछले टाइम सारी हिस्ट्री रखी थी। रिलीजियस टैक्स भी हमने कोर्ट के सामने रखे थे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स में भी और रिलीजियस कंटेक्स में भी प्रीस्ट का सेकुलर मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से दुकान खोले जाने को लेकर राहत तो दी गई लेकिन लोगों के मन से कोरोना का खौफ भी दूर हो गया है और लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इसको लेकर आज तहसील पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त रूप से बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान डोईवाला तहसीलदार रेखा आर्या ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। सरकार ने आम जनता को छूट दी है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जो है इसको अधिक से अधिक उपयोग करें। जब भी पब्लिकली वो लोग घूमते हैं बाहर मार्केट में आते हैं तो मास्क पहनना उनके लिए बहुत अनिवार्य है और कोविड एक्ट के अंदर महामारी अधिनियम के अंतर्गत ये चालानी कार्रवाई भी की जाएगी इनके विरुद्ध और 6 माह का कारावास भी हो सकता है। जनता से ये अपील है कि जब भी वो मार्केट में निकलें कभी भी पब्लिक स्पेस पर जाएँ तो वो बिना मास्क के नहीं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। भारत जो है तीसरे नंबर पर पहुँच गया है तो ये सोचना कि कोरोना खत्म हो गया है ये गलत धारणा है। जिस तरह से अभी लॉकडाउन में छूट मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे नियमों को ताक पे रखते हैं। इसमें हमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी जो तहसीलें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की ड्राइव चलाएं कि लोगों को जागरूक करें कि वो जब भी बाहर निकल रहे हैं मास्क का जरूर प्रयोग करें। 1 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य में चार धाम यात्रा को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी हेल्थ पोस्टों को बेहतर बनाने के साथ ही वहां पर चिकित्सकों की तैनाती करने के भी निर्देश जनपदों को जारी कर दिए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तराखंड के अन्य जनपदों से भी चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि चार धाम यात्रा में आने वाले लोगों को पहले पड़ाव में ही हेल्थ चेकअप किया जा रहा है जिससे उन्हें यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अभी यह यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। भविष्य में जब अन्य श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुरू होगी तब और भी अधिक स्टाफ को यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाएगा। चार धाम यात्रा में जो हमारी हेल्थ पोस्ट है उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो क्रियाशील है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर बहुत कम लोग जा रहे हैं और उसके तहत उनका जो मेडिकल चेकअप है वो पूर्ववत हो जाता है। और मुझे लगता है कि चार धाम यात्रा में भी जैसा मैं देखती हूँ कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत कम लोग धीरे धीरे मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पूरा जो प्रिकॉशंस कोविड-19 का है उसको ध्यान रखते हुए ही चारधाम यात्रा कर रहे हैं और ये चारधाम यात्रा हमारी इंटर स्टेट नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश में उत्तराखंड की स्थिति ज्यादा बेहतर है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा जिसके लिए सभी जिलों को टेस्ट किट उपलब्ध करवा दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा था
लेकिन अभी ICMR की गाइडलाइन के अनुसार अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए टेस्ट किट सभी जनपदों में जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई है। विकास नगर अंतर्गत कालसी विकास खंड के माखटी पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण में 5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ प्रभावित ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इस मार्ग पर अभी भी अनियमितताएं भरे काम लगातार जारी हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीण विभाग को कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है। ऐसा ही कुछ कहना है माखटी पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित हुए ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कि हमारी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। सर हमें 5 साल से क्लेम नहीं मिला है। किस चीज का? रोड कटी है, डबल कटिंग हुई है उसकी, कुछ लोगों को विभाग ने मौजा आवंटन कर दिया है और हम लोगों का मौजा आवंटन नहीं किया गया है। कम से कम मैं यहाँ 10 बार आ गया हूँ, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। माटी पोखरी पे इस समय वर्तमान में जो लोगों का कहना है कि इसमें मौजा प्रतिकर नहीं मिला है, तो इसमें हमने अमीनों को कह दिया है, अमीन अभी मौके पे जाएंगे और उसको टैली कर लेंगे। अगर किसी का छूटा होगा तो ग्रामीणों के साथ उसको देख के, पटवारी भी जाएगी और हमारा अमीन भी जाएगा, उसको देख के बना दिया जाएगा उसे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।